जब हिजाबे पर्दा गैबत उठाया जाएगा, एक दिन वो आएगा। ही इज एन इस्लामिक स्कॉलर एंड खतीब अहलुल बैत, PhD इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलाहाबाद। Since 2008, he has been teaching English language at various national universities. Presently, he is posted as a faculty in English Literature and Communication Skills, Department of English at Maulana Azad National Urdu University. He is also a faculty in Islamic Studies at the Federal Online Islamic University, guest Islamic scholar in various programs on Channel WIN, Al Muntazar TV, and other online international Islamic platforms. He's a published poet and author. His book on poetry called Shades of Solitude was recently published and is available on the Amazon store. He is an international interfaith speaker, having addressed audiences in various countries, member of the Progressive Literary and Cultural Society. He is also a member of the World Association of Academicians and Researchers. With such a wonderful introduction, it gives me great privilege and pride to welcome on stage for the topic, Does Imam Mahdi alayhi salam have knowledge of the unseen? Kya Imam Zamana alayhi salam ko ilm-e ghaib hai? We welcome Dr. Sayyid Qudsi Rizvi sahab on stage. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد من إلا من ارتضى من رسول صلوات بر محمد وآل محمد معزز علماء کرام मोहतरम सामेईन और द प्रॉमिस्ड मेहदी की इंटायर टीम, खुशकिस्मती है कि आपने इस अजीम प्रोग्राम में मुझे चंद मिनट अपने मारूजात को आपके सामने पेश करने का मौका दिया। इससे कबल कि मैं अपने टॉपिक पर कुछ बयान करूं, एक जुमला मैं तमाम स्पीकर्स के लिए और सामेईन के लिए कहना चाहता हूं कि तमाम टॉपिक्स नहायत वसी हैं और बहुत कॉम्प्रहेंसिव हैं, डीप हैं। वाकयन ये बहुत हुनर की बात है कि इस पर 12 मिनट उस इल्म को इनकैप्सुलेट करके अवाम तक पहुंचाना, जिसके लिए एक घंटा भी बहुत कम है। अगर हम तफसील में जाएं और बाकायदा बयान करें तो इस पर जो हम ज़ाकिरीन अक्सर कहते हैं कि एक अशरा हो सकता है, तो वाकयन एक अशरा इस पर पढ़ा जा सकता है। बहुत से इसके अंदर डायमेंशंस हैं, बहुत से इसके अंदर जाविये हैं, और आपकी भी तारीफ़ है कि आप मुस्तकिल हम लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, मुतहम्मिल हो रहे हैं इन बातों के लिए। अपनी बातों को मैं बहुत आसान रखूँगा और मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि ये जो मौजूआत दिए गए हैं इनका एक पस मंज़र है, और वो पस मंज़र ये है कि मौजूदा दौर में कोई नई बात नहीं है, मगर बार बार शकूक और शुबहात को उभारा जाता है ताकि उनको मोमिनीन को अकायद हक्का से दूर किया जा सके और बदअकीदगी का वायरस उनके दिमाग में डाल दिया जाए। और इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तरफ तो वो लोग के जो इन वायरसेस को फैला रहे हैं वो अपने को स्कॉलर्स कहलवाते हैं। हमने भी बड़ी गहरी फिक्र की है और बहुत क्या कहते हैं समझा है, रिसर्च की है, एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं कि जो अब तक नहीं थी। तो उनको ये नहीं मालूम है कि ये बड़े पुराने एतराज़ात हैं
और ये कोई नई चीज़ें नहीं है कि जो बयान हो रही हैं। अब ये अलग बात है कि हाँ, आपका होराइज़न थोड़ा ब्रॉड हो गया है और आपकी पहुंच जो है वो दूर तक हो गई है, पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गया है, वरना ये शकूक और शुबहात, ये एतराज़ात बड़े कदीमी हैं और हमारे उलमा इनका मुफस्सल और डिटेल्ड और कन्विंसिंग जवाब लिख चुके, दे चुके। वही आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि क्या इमाम ज़माना अज़लल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के पास इल्मे गैब होता है? क्या वो इल्मे गैब जानते हैं? अजब सवाल है भाई। इसका जवाब मैं अभी से दे दूँ कि हाँ होता है, नहीं होता है तो आपको इस पे दिक्कत क्या है, और अगर होता है तो आपको क्या परेशानी है? उनके इल्मे गैब होने या न होने से आपकी हिदायत या मारिफत में कौन सी कमी आ जाएगी? आप उनसे मोहब्बत करना छोड़ देंगे अगर वो कुछ नहीं, अगर इल्म गैब नहीं रखते हैं? तो ये सवाल जो बेसिकली उठाया जा रहा है, इसके पीछे एक तकसीरी जाविया है, मुकस्सरीन का जाविया है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हल्का कर दो, कुछ ना कुछ तो कमी उसके अंदर पेश कर दो। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ ये है कि इल्म कहते हैं जानने को, पहचानने को, और क्योंकि ये खुद मेरा अपना फ़लसफ़े का मौजू रहा है जिसको फ़िलासफ़ी में एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, यानी जब इल्म की हकीकत पर गुफ्तगू हो, उसके नेचर पर गुफ्तगू हो, जो इस वक्त मौजू नहीं है इंशाल्लाह फिर कभी, कि खुद हकीकत इल्म क्या है, इल्म कहते किसे हैं, इल्म कैसे हासिल होता है। आसान लेमैन की जबान में जानना, समझना, मालूम करना, जब मालूम होगा तो उस पर इल्म सादिक आएगा। अल गैब इल्मुल गैब, गैब यानी वो मा गाबा अनिल अबसार, जो या तो निगाहों से छुपा हुआ हो या फिर आपके फाइव सेंसेस से छुपा हुआ हो, जो आपको नहीं मालूम है वो आपके लिए गैब है, मुमकिन है मेरे लिए शुहूद की मंजिल में हो। तो इस बात पे गौर कीजिएगा, अगर अल्लाह को कहा जा रहा है कि आलिमुल गैब व शहादा, तो उसके लिए क्या चीज गैब है? वो कह रहा है कि वो इल्म गैब रखता है। नऊज़ु बिल्लाह, क्या उससे भी कुछ छुपा है कि उसने कोशिश करके जान लिया कि अब हम आलिम गैब हो गए? नहीं, ये रिलेटिव बात है, जो आपको नहीं मालूम है उसके अलावा जो भी मखलूक है वो किसी न किसी जाविये से कुछ नहीं जानती है। अगर मुतलक जानती है तो फिर मखलूक और खालिक में फ़र्क क्या रह गया? अल्लाह इल्म कुल का मालिक है, जो मुतलक इल्म है, और ये उसका जाती इल्म है, उसे किसी ने अता नहीं किया है, ये बिज़ात वो आलिम है। और उसके अलावा जो भी हैं वो इता की मंजिल पर है कि अल्लाह उन्हें देता है तो वो जान जाते हैं। इसीलिए कुरान मजीद ने दो तरह के लोगों का जिक्र किया, बाज़ वो हैं कि जो एम्पिरिकल नॉलेज से, यानी मैं इसको एक अच्छे जुमले से कहूं कि तजर्बात की बैसाखियों के सहारे टटोल टटोल के हकीकत तक पहुंचना एक इल्म कहलाता है, और बाज वो होते हैं कि जो साहेबान उतुल इल्म है, यानी वहां से यहां इल्म लेके आए हैं, जिनके यहां कोई डाउट नहीं होता है, कोई शक नहीं होता है, कोई तखमीना नहीं होता है, उनके यहां कोई जो है वो इस तरह की बातें नहीं होती हैं कि वो कंजेक्चर्स लगाएं, बल्कि वो ऐसे इल्म के मालिक होते हैं कि वो खुदा के इल्म का मजहर इस कायनात में कहलाते हैं। तो जो इल्म इलाही का मजहर हो उनसे छुपा क्या होगा इस कायनात में, पहली बात। दूसरी चीज ये कि अल्लाह है आलिमुल गैब, हमारे रिलेटिव टर्म है कि जो हमको नहीं मालूम है उसकी वो उसको इजहार कर रहा है। अब इसी कुरान मजीद से पूछ लीजिए, क्या अल्लाह माज अल्लाह इतना बखील है कि गैब में बाज चीजों को रखा भी है और अपनी जात तक महदूद कर दिया कि हम ही जानते हैं और हम ही उसका मजा ले रहे हैं, किसी कुछ नहीं बताएंगे हम? तो सवाल यह है कि फिर आपने गैब रखा क्यों उसे? इल्म कुरान अगर फकत अल्लाह ही को मालूम हो तो फिर जो उसके टीचर हैं वो इससे गायब है तो फिर क्या पढ़ाने आए हैं? इसका मतलब कि जब अल्लाह कह रहा है कि वह इंदहु मफातिहुल गैब, उसके पास गैब की कुंजियां हैं, तो वो अगर, यानी कुछ गैब है जो खुलेगा इस कुंजी से, अगर वो किसी को इस ये मिफ्ताह या मफाती दे दे, इन कुंजियों को हवाले कर दे, तो वो भी उसकी मदद से इन गैब के तालों को खोल कर गैब को हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह की कुदरत में है कि वो दे सकता है, इसलिए कि वो इतना बखील नहीं है। कुरान ने कहा है कि वो अपने गैब पर जनीन नहीं है, वो बखील और कंजूस नहीं है कि वो किसी को न दे, बल्कि वो जिसको चाहता है लेमनिर तजा मिर रसूल, उस रसूल को इल्म गैब दे देता है जो उसकी निगाह में मुर्तजा हुआ करता है। अब जरा कायनात में देखिए कि कौन है कि जो उसके मुस्तफ़ा बंदे हैं, कौन उसके मुर्तजा और मुजतबा बंदे हैं। कुरान मजीद ने मुजतबा भी लफ्ज़ यूज़ किया है इल्म गैब के लिए,
और मुर्तजा भी इल्म गैब के लिए यूज किया है। अब जहां भी अल्लाह की इज्तबा और अल्लाह की इर्तजा पाई जाएगी, यानी वो नफूस के जो रजा इलाही का पैकर होंगे, वो इल्म इलाही से इल्म गैब को जानते होंगे। बिल्कुल सामने की बात है। अब कुरान मजीद से पूछ लें आप कि क्या अल्लाह ने अपने अंबिया और मुरसलीन को इल्मे गैब नहीं दिया? अल्लाह खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए कह रहा है कि नूही है, हम आपकी तरफ वही करते हैं, दालिका मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला इसका प्रेमिस यह आया, लॉजिकल प्रेमिस, रसूलुल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह खुद कह रहा है कि हम आपको गैब की खबरें दे रहे हैं और हम इत्तला नहीं देते मगर उसको कि जिसको हमने मुजतबा कर लिया हो। रसूलुल्लाह मुजतबा नहीं है इस कायनात में। फिर जाके आप अपना माथा फोड़िए, किसी मंदिर के पास चले जाइए। फिर अगर रसूलुल्लाह मुर्तजा नहीं है, मुजतबा नहीं है, मुस्तफ़ा नहीं है, तो फिर कौन साहब है? और अल्लाह कह रहा है कि हम अपने मुजतबा को इल्म गैब देते हैं, ले मनिर तजा, जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जो अल्लाह के नजदीक रजा का हामिल हो, जो अल्लाह से राजी हो, अल्लाह उससे राजी हो, हम उसको इल्म गैब देते हैं। तो यानी साबित हुआ कि रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब है। रसूलुल्लाह से पहले जनाब ईसा कह रहे हैं कि मैं अगर चाहूं तो तुमको बता सकता हूं तुमने अभी क्या खाया है, क्या खा के आए हो, कहां अपना खजाना छुपा के रखते हो, ये इल्म गैब नहीं तो क्या है? आपने क्या खाया है तो हमने देख लिया, तो हमारे तो शहूद की मंजिल पर है। मगर असलम साहब, मौलाना असलम साहब जब तशरीफ नहीं लाए थे, तो अगर इनसे पूछा जाए बताइए मौलाना हम लोग क्या खा रहे हैं इस वक्त, अब अगर वीडियो कॉल नहीं हो रही तो नहीं बता पाएंगे। वो आमतौर से एक क्या हो सकता है कि मुर्ग खा रहे हों, बकरे का सालन खा रहे हों, लेकिन यहां कुछ और था, तो इनके लिए ये गैब था। लेकिन क्योंकि हम सब देख रहे थे कि हम क्या खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए शुहूद की मंजिल में है। यानी गैब उसे भी कहते हैं जो किसी के लिए छुपा हो मगर दूसरे के लिए आया हो। आपके अंदर खुद एक गैबी दुनिया मौजूद है। आप इंसाफ से बताएं, अगर बायोलॉजी की बुक में आपने अपनी पूरी एनाटॉमी को नहीं देखा होता तो आपके लिए पूरी एनाटॉमी गैब ही तो है। लेकिन क्योंकि उस बायोलॉजिस्ट ने और उस एनाटॉमिस्ट ने अंदर डाइसेक्ट करके आपके आजा और जवारे को देख लिया, लिहाजा वो उसका आलिम हो गया, आपके लिए अभी भी गैब है। कि आपको अपना डीएनए दिखाई देता है, कि आपको आरएनए दिखाई देता है, प्रोटीन कैसे बनता है आपको दिखाई देता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपको दिखाई देता है, यहां पे जो लिक्विड है वो दिखाई देता है, इमेज कैसे अंदर जाके उल्टी होकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है आपको दिखाई देता है। पूरा का पूरा वजूद इल्म गैब है। और अल्लाह कह रहा है कि मुत्तकीन की सिफत यह है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं वही मुत्तकी हुआ करते हैं। तो जब रसूलुल्लाह के पास इल्मे गैब है, तो अब दूसरी आइए जनाब, जो आप एतराज कर रहे हैं, तो क्या हमारी अहादीस मुअतबरा में ये नहीं साबित है कि जो कुछ रसूलुल्लाह के पास इल्म है, ये इल्मे नबूवत जो है वो ट्रांसफर होता है औसिया ए इलाहिया को, जो अल्लाह के वसी जो अल्लाह के जो है वो वली हैं और रसूलुल्लाह के वसी हैं। और ये हमारे यहां मुसलमात तशय्यो में से है, उलमा बैठे हैं वो तस्दीक करेंगे कि जो इल्मे नबूवत है और जो इल्मे आखिरुज़्ज़मान नबी है, वो सब का सब अमीरुल मोमिनीन तक ट्रांसफर हुआ वैसा ही के जैसा रसूलुल्लाह के पास था। और ये अपने को आइमा ताहिरीन कहते भी थे कि हम वारिसान इल्म नबी हैं। तो जब रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब है, तो ये ट्रांसफर हो गया विरासत में। तो जब ट्रांसफर हो गया, तो फिर एक के पास है तो फिर आखिरी के पास भी है। अगर अमीरुल मोमिनीन के पास भी है, तो आखिरुल ज़मान इमाम महदी के पास भी इल्म गैब है। एक सलावात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, क्योंकि अब वक्त दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मुश्किल से कुल 20 सेकंड्स हैं, लिहाजा मैं एक दलील और दे के बात को खत्म कर दूं कि हमारे लिए तो अजहर में शम्स बिल्कुल सामने की बात है। हमारे आइम्मा इल्मे गैब जानते हैं, नॉलेज ऑफ द अनसीन उनके पास होती है। अगर आप आइम्मा के दौर को का मुतालिया करें, जिन साहब ने यह एतराज़ किया है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा इमामों के बारे में। हर इमाम अपने मौत की खबर दे रहा है, इल्मे गैब नहीं है, बता रहा है कि हमारी तजहीद तकवीन इस तरीके से होगी। इमाम हुसैन के पास करबला के वाकयात का बहुत कुछ इल्म था, वो जानते थे मेरा कातिल कौन है, वो नशेब भी जानते थे। ये किसी का बड़ा अच्छा जुमला है कि ये हुर नहीं है जो हुसैन को खींच कर करबला तक लाया है, बल्कि ये हुसैन है कि जो हुर को करबला तक लेके चले आए हैं।
कोई और नहीं ला सकता इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन जानते हैं मेरा कातिल कौन है। इमाम हुसैन जानते हैं कि वक्त शहादत क्या है। लिहाजा तनाब वक्त को खींच के असर तक लेके चले आए हैं कि मेरे नाना ने मुझे खबर दी है कि तुम्हें कब शहीद किया जाएगा। ये इल्मे गैब नहीं तो क्या है? आप इमाम हसन अस्करी अलैहि सलातो वस्सलाम की जिंदगी का मुतालिया करें कुतुब रावंदी अल जराएह में, अल्लामा मजलिसी बहरुल अनवार में और मदीनतुल मआजिज में अल्लामा बहरानी कम से कम 150 वाकयात इमाम हसन अस्करी से नकल करते हैं जो गैब पर इत्तला पर हैं कि इमाम ने कसरत से इल्मे गैब को बयान किया और बताया कि ये होने वाला है। एक शख्स ने कहा कि मौला मेरे यहां विलादत का वक्त है, एक नाम तजवीज करें। इमाम हसन अस्करी उसको जवाब में लिखते हैं कि अब तुम्हारे यहां विलादत का वक्त है, इंशाअल्लाह तुम्हारे यहां औलाद होगी और उनके ये दो नाम रखना जो दोनों नाम मेल नाम हैं, एक का नाम अब्दुल्लाह रखना, एक का नाम अब्दुल रहमान रखना। उसने तो कहा था मेरे यहां विलादत होने वाली, इमाम बता रहे हैं कि तुम्हारे यहां ट्विंस होने वाले हैं और दोनों मेल होंगे। मैंने अपनी बात को खत्म किया। ये वो क्योंकि गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, वरना आप देखें कि जिसके पास कुल कुरान का इल्म हो, इस कुरान करीम से कोई चीज बाहर नहीं है। ला रतबिन वला यबिस इल्ला फी किताब मुबीन। और एक आयत और है कि वमिन गैबतिन फिस समाई वल अर्द इल्ला फी किताब मुबीन। तो जिसके पास सब का सब गैब किताब मुबीन में हो, उसके लिए कुरान गवाही दे कि वमन इंदहू इल्मुल किताब, जिसके पास कुल का कुल किताब का इल्म है वो साहिब इल्म गैब नहीं होगा तो कौन होगा। और उसी इल्म के वारिस जो है वो हजरत हुज्जत अरवाहुन अल फिदा है कि जिनके पास इल्म नबूवत भी है और इल्म इमामत भी है। वह आखिर عن الحمد لله رب العالمين humble token الحمد لله شكريا بہت بہت as dr sayed qudsi rizvi sahab was speaking I definitely had goosebumps I don't know about you people in the audience but very rarely do we come across a speaker so articulate his use of words his clear thoughts on the topic fantastic metaphors that he used to convey and to prove his point We are really proud to have him in our community. Thank you very much for your very inspiring words. Sadaqallahul Aliyyul Azim.